मेरे को गोप्रो की सारी एक्सेसरीज मिल चुकी है और ये एक एक्स्ट्रा माइक लिया है जो भाई ने सजेस्ट किया है। ऑल राइट एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज राइड विद किक। सो भाई आज के इस वीडियो को पूरा देखो क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो अपना सिग्नल खुला हुआ है तो हम निकल लेते हैं आगे की तरफ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैंने ये GoPro जो 7 मैंने लिया है हीरो ब्लैक, तो इसका मैंने सारे एक्सेसरीज परचेस कर लिया अभी। और स्पेशल थैंक्स टू बैग जोन मुंबई जो बोरा बाजार में उनका शॉप है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे राशिद भाई की तरफ से। मतलब कि मुझे ये चाहिए था और मैंने उनको रात में 8 बजे फ़ोन किया, उनका शॉप बंद करने का टाइम था बट वो मेरे लिए 9 बजे तक रुके हुए थे। 9:30 तक मैं पहुँचा वहाँ पर और फिर सारे चीज़ मैंने जो मतलब मुझे चाहिए था GoPro का पूरा एक स्पेशल पैक जो स्पेशल बंडल होता है जिसमें सारे एक्सेसरीज होते हैं GoPro के, वो मैंने परचेस कर लिया उनके थ्रू। तो वहाँ पे मैं कैमरा वगैरह कुछ लेके नहीं गया था, वहाँ पे सिंपली मैं अपना मोबाइल लेकर गया हुआ था। तो वो मोबाइल से मैंने जितना रिकॉर्ड किया है वो पहले आप लोग देख लो। ओके सो फाइनली अपने को GoPro की सारी एक्सेसरीज मिल चुकी है और ये एक एक्स्ट्रा माइक लिया है जो भाई ने सजेस्ट किया है, बोल रहे अच्छा है तो ये ट्राई करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है इसका वॉइस जो कि ये वीडियो में अभी आने वाला है तो कमेंट करके बताओ मेरे को। बाकी तो सब बढ़िया है और थैंक्स टू भाई कि ये मेरे लिए रुके हुए थे फ़ोन करने के बाद भी। ओके सो आप लोगों को बता दे रहा हूँ अभी मैं मोबाइल से व्लॉग कर रहा हूँ बिकॉज मैंने कैमरा वगैरह कुछ मतलब लेके नहीं आया साथ में। सो वंस अगेन थैंक यू बैक जोन। तो भाई कुछ भी रहेगा आ जाओ, मस्त जगह है विदाउट टेंशन। सो आप लोगों ने वहाँ का वीडियो देख लिया तो इन लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरे को वहाँ पे। तो भाई आप लोग कभी भी कुछ भी चाहिए रहेगा आप बिंदास जाओ बैग जोन में, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी तुमको। और अभी मैं आप लोगों को बता दूँ मेरे पास जो जो स्पेशल चीज़ें मिली है जो मेरे अभी इस ब्लॉगिंग को 4 चांद लगाने वाला है। तो वो सारे माउंट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर उसमें से मैं कुछ माउंट्स का टेस्ट करके भी बताऊंगा कि कैसा व्यू मिल रहा है। तो फिलहाल अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये चिन माउंट लगाया है। और आप लोगों को बता दूँ कि ये जो वॉइस आ रहा है तो मेरे वो वाले माइक से नहीं आ रहा जो मैंने परचेस किया, बिकॉज़ वो माइक वर्क नहीं किया GoPro के साथ में। तो उसका मैं देख लूँगा बाद में क्या रिप्लेसमेंट करना है कैसा करना है वो देख लेंगे हम लोग बाद में। कि मैं माउंट्स को यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता तो मैं क्या करूँगा कि साइड में स्नैप लगा दूँगा और उसके बारे में आपको बता दूँगा कि वो किस लिए है। तो अभी जो आप लोग स्नैप देख रहे हो ये जो माउंट है ये माउंट हम लोग अपना मतलब चेस्ट माउंट बोलते हैं इसको, ये चेस्ट पे लगता है जिसका मैं अभी आप लोगों को फुटेज भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। और अभी जो आप लोग देख रहे हो ये जो है ये हेड माउंट है, मतलब कि आप ट्रैकिंग वगैरह कर रहे हो या फिर साइकिलिंग कर रहे हो तो ये माउंट बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। हाँ सूर्य देवता कितने ही मस्त लग रहे हैं। और हाँ आई नो मेरा आवाज़ थोड़ा सा चेंज लग रहा है बिकॉज मुझे बहुत ज़ोरदार सर्दी हुई है, मतलब कि बहुत ही ज़ोरदार सर्दी हुई है तो बाकी मैं कुछ कर नहीं सकता। तो थोड़ा सा इग्नोर करना मेरा वॉइस को, मतलब जो थोड़ा अलग आ रहा है उसके लिए। अभी जो आपके स्क्रीन पे माउंट दिख रहा है ये माउंट है बेसिकली, ये मतलब कि आपके हैंड पर या फिर किसी बैकपैक पर पेड़ पर कहीं पे भी आप बांध सकते हो। ये माउंट उस काम में आएगा कि मतलब आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हो बॉडी के किसी भी पार्ट्स पे, हाथ पैर कहीं भी बांध सकते हो, दूसरा नहीं तो कोई पेड़ पे कोई राउंड सरफेस रहेगा उस पर आप बांध सकते हो इसको रिकॉर्ड करने के लिए। और ये जो माउंट आपको दिख रहा है क्लिप टाइप का क्रोकोडाइल टाइप का जो माउंट अभी आपको दिख रहा है ये माउंट आप मतलब आप समझ ही सकते हो कि कहीं भी इसको भी माउंट करके इससे भी अच्छा सा सिनेमेटिक सीन्स ले सकते हो। और ये जो माउंट आपको दिख रहा है इस वक्त तो ये भाई ये समझ लो कि ये डैश कैम के लिए है, मतलब कि कार वगैरह में फिट करने के लिए ये माउंट दिया हुआ है। तो ऑलमोस्ट मतलब आप ऐसे ही समझो कि ये ऑल इन वन है, इसमें हर एक चीज़ का माउंट दिया हुआ है, आपको अलग से अब कोई और अलग से एक्स्ट्रा माउंट नहीं खरीदना पड़ेगा। और मैंने 2 J माउंट लिया है जो कि एक अभी इसमें आप हेलमेट में लगा हुआ है मेरे, और दूसरा 2 J माउंट अभी स्पेयर में पड़ा हुआ है मेरे पास जिसको मैं दूसरे किसी माउंट के साथ में यूज़ कर सकता हूँ ये जो GoPro को अटैच रखेगा। सो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि
मुझे ऐसा लगता है कि GoPro के बाद में लोग माउंट्स के लिए थोड़ा सा परेशान रहते हैं, जल्दी मिलता नहीं कहीं पर, बट आप बैक जोन जा सकते हो भाई, इजीली एक जगह पे सारे माउंट आपको मिल जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, मतलब कि आपको 800-900 रुपए में पूरा पैक मिलता है, तो सस्ता ही है एक हिसाब से। अगर आप अलग अलग लेने जाओगे तो बहुत महंगा पड़ता है। और इसमें एक चीज़ दिखाना बाकी रह गया, तो इस वक्त जो आप अभी देख रहे हो ये सेल्फी स्टिक भी इसके साथ मिला। ये सेल्फी स्टिक काफ़ी काम आएगा, मतलब कि जब भी हम लोग राइड पे निकलेंगे तो सिनेमेटिक सीन्स लेने के लिए। तो ये जितने सब थे ये मेरे पूरे माउंट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अभी क्या करता हूँ मैं, गाड़ी कहीं साइड में जगह देख के रुकाता हूँ, अच्छे जगह पर जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, तो वहाँ के बाद मैं माउंट को चेंज करता हूँ, मतलब कि ये चिन माउंट से निकाल के मैं चेस्ट माउंट पे लगाता हूँ और फिर देखते हैं कि फुटेज कैसा आता है। यहाँ पे हम लोग गाड़ी साइड में रुकाते हैं और माउंट को चेंज करके लेते हैं सबसे पहले, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई कैसा फुटेज आएगा। चलो ओके एवरीवन, तो भाई अभी जो है जैसे आप लोग देख सकते हो मैंने माउंट को सेट कर लिया है, बट मुझे ये पता नहीं है माउंट सीधा है कि टेढ़ा है, और मैंने जो है माइक को भी अटैच रखा हुआ है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आ सकती है। आप लोग देखो फुटेज कैसी आ रही है इसमें, और फिलहाल अभी वाइड एंगल पर शूट कर रहा हूँ मैं, मतलब सुपर व्यू में कर रहा हूँ, कि ये जो आप लोगों को सामने जो ये दो दिख रहा है तो ये तो स्पीकर है, देख के समझ रहा होगा आपको, बट ठीक है कोई नहीं, मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा ताकि आप लोग को भी पता चले कि ये मैंने क्या लगाया हुआ है और कितने का लगाया हुआ है। बस इतना ही बता सकता हूँ ये व्लॉग में कि भाई बहुत ही भयंकर चीज़ लगाया है मैंने, मतलब मज़ा आ जाएगा, राइड का मज़ा दुगना कर देगा, जो कि इसमें ही इनबिल्ड है आप लोगों को बता दूँ तो। भाई चलो तो यार इधर खड्डे खुड्डी में से ऐसे हम लोग जा रहे हैं, तो पता नहीं ये माउंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, माउंट हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है पता नहीं। और सबसे ज़्यादा भयंकर चीज़ तो ये है कि अब मुझे ट्रैफिक लगने वाली है घर की तरफ जाने को, और वो भी भयंकर वाली ट्रैफिक लगने वाली है। मैं अपना एग्जैक्टली माउंट चेंज करना चाहता हूँ, बट मैं यहाँ रुक नहीं सकता कि मैं वापस से निकाल के इसको चिन पे लगा लूँ। सो अभी हम लोग ऐसे ही ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आई डोंट नो आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है, माइक तो मैंने कनेक्ट किया हुआ है, बाकी देखते हैं, बाकी सब भगवान भरोसे। तो यार यहाँ साइड में बस चेस्ट माउंट में एक थोड़ा सा पंगा है कि आप साइड की चीज़ें नहीं दिखा सकते, जो कि चिन माउंट में आप ऐसा मुंडी घुमा के दिखा सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे गाड़ी रोकते हैं, साइड में थोड़ा जगह है, और हम लोग ये माउंट निकाल के वापस से चेस्ट पे लगा लेते हैं, भाई चिन पे लगा लेते हैं।